बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे हो आप सब लोग। सो राइट नाउ मैं एक बिहारी घर में हूँ, बल्कि बिहारी समाज के घर में, और ये हमारे बहुत मेरे सीनियर हैं, बल्कि मैं 10 साल हो गए तो उनको तो बहुत ही साल हो गए यहाँ पर, मिस्टर शेखर सिंह सर हैं। और मैंने कल एक ग्रुप में, दिशा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बोला था कि मेरे को छठ पूजा की वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कहाँ हो रही है। तो जो भाभी हैं, श्वेता भाभी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया कि अगर तुम्हें वीडियो बनानी तो तुम आ जाओ, कल हमारे पूजा हो रही है। तो वैसे तो सुबह 7 बजे होनी थी, लेकिन मैंने सोचा सुबह 7 बजे तो मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, मैं शाम में आऊँगा, क्योंकि एक सूर्य उदय पर होती है पूजा और एक सूर्यास्त पर होती है पूजा। तो मैंने सोचा सूर्यास्त पर पूजा करेंगे और वो मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा। अब आप वो पूजा भी देख सकते हो, प्लस मैं आपको दिखाता हूँ घर, इस घर में है ये चाचा मेरे साथ आया, और आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी खबर न्यूज़ चैनल पे भी वीडियो बना रहा हूँ। चाचा ने हेलो करा के क्या ध्यान नहीं दिया, हम माइक लेके आए। तो अभी मैं आपके लिए वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने पूजा करी, और उनसे भी मिलाऊंगा, भाभी से भी, जिन्होंने ये पूजा जो करी है उनसे बात करवाता हूँ कितने सालों से ये लोग पूजा कर रहे हैं।
सो अभी हम लोग बना रहे हैं छठी मैया के लिए जो पूजा हुई है उसमें चाय बन रही है और यहाँ पकौड़ी बन रही है। पकौड़ी बन रही है, गोभी का पकौड़ी। ये हमारे जगदीश जी हैं तो यही सारा कुछ कर रहे हैं काम। अभी हम इंटरव्यू भी लेंगे अपने चैनल के लिए भी। तो मैं दिखा देता हूँ, ये किचन है। बनाते रहो बढ़िया सा, एकदम बढ़िया बनाना। कल मुझे पता ही नहीं था ना, पता नहीं चला था मुझे, बल्कि अभी पूजा कब होती है। हाँ नंबर दे दूंगा मैं भी अपना। तो अभी कुछ वीडियो बनाते हैं, पूछते हैं कुछ लोगों से। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, श्वेता भाभी से मिलवाता हूँ जो पूजा कर रहे थे यहाँ पे। तो अभी मैं अपने रंग में आ गया ना, क्योंकि पहले तो मैं रिपोर्टर था, अब मैं अपनी फैमिली में हूँ। तो यहाँ पूरा हमारा हिंदुस्तानी समाज और जितने भी पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे है, ये सब यहाँ सब महिलाओं ने आज पूजा करी थी। और ये भाभी हैं जो गंगा जी में खड़ी थी, उन्हें गंगा जी बोलेंगे पूरी, वो गंगा जी समर्पित थी। तो यहाँ पे इन्होंने पूजा करी थी और तीन चार दिन से ये पूजा चल रही है। चार दिन से पूजा चल रही है, यहाँ सब देख सकते हो आप, सब बैठे हैं। अब ये पूजा तो हो चुकी है, अभी शायद चाय नाश्ते का वेट कर रही हैं सब। तो अभी आप लोगों से अभी आगे मिलते हैं, पुरुषों से मिलते हैं आगे जाके, ठीक है। सो गाइज ये बन गए पकोड़े और चाय बन गई है, जगदीश जी ने हमारे बढ़िया करके बना दिया। मैं इनको शायद 10 साल से जानता हूँ, है ना, 10 साल हो गए। जब नीचे उससे मिलने जाते थे मेरे को, उससे मिलवा देते ना, इतना मन कर रहा था मेरा। बुढ़ा हो गया नहीं हुआ अभी। हाँ अभी चलते हैं आगे, पहले मैं अपने उनसे ही मिल लेता हूँ। चाय मिले और कुछ। स्विमिंग पूल क्यों ना चाहिए, बहुत तरह का अग्रणी श्रेणी है इसमें। नंबर वन खाना बनाने का जगह चाहिए, वो तो हो जाएगा, वो लगे है अभी, लगे हम। हाँ वही लगे बनाने का जगह, जितनी लेडीज रहेंगी एक जगह सोएंगी। तो अभी हम लोग चाय पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत मस्त चाय बनाई है और पकोड़े खा रहे हैं। पीछे भजन चल रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं आपस में। प्लस अभी चाय पकोड़े खा के फिर चलते हैं आगे घर। आज शाम को शायद दिवाली, उसमें भी जाना है। भजन दिखा देता हूँ कि एंट्रेंस कितना अच्छा है, बहुत सुंदर एकदम, कि आप लोग को लगेगा कि आप हिंदू या फिर एक हिंदुस्तानी घर में आ रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है और गणपति भगवान, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये मेन गेट है, बहुत सुंदर लगा। चलते हैं, जैकेट वैकेट पहनते हैं, यहाँ पे जैकेट वगैरह अगर कोई गेस्ट। गाइस अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 25th फ्लोर है, 25वां फ्लोर। मेरे ऊपर लाइट सही नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ कितना प्यारा व्यू है। ये देख सकते हैं आप, सामने जंगल है फुल ये, और उसके पीछे बिल्डिंग्स हैं सारी। ये सामने रोड, 25th फ्लोर से कैसा लगता है। ये सामने शीशा है या खुला हुआ है? माय गॉड खुला हुआ है। ये खुला हुआ है, मुझे ये लग रहा था कहीं मैं शीशा समझ के इस पर ना मार दूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग यहाँ लिफ्ट में आ चुके हैं, 25th फ्लोर से हम नीचे जा रहे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा ये वाला जो पार्ट, ये हमने छठ पूजा की भी वीडियो बनाई, हमें मौका मिला, थैंक यू सो मच बहुत बहुत श्वेता भाभी और शेखर भैया को कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, कि दूसरे देश में कहीं भी रहें तो आप अपने त्यौहार को, अपने उसको ना भूलें, धर्म को ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, भूलना मत मतलब कि, और बेल आइकन को प्रेस करना। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलते हैं 10वीं दायरे।